जो हार्म कर रहे उसके खिलाफ कड़े कानून की आवश्यकता है और उनके खिलाफ FIR भी हो जाए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड सर्वधर्म संभाव में विश्वास करती है। किसी भी धर्म से जुड़े वैसे बयान या वैसे कृत्य जिससे किसी व्यक्ति की आस्था खंडित होती हो, निसंदेह जनता दल यूनाइटेड ऐसे तत्वों के खिलाफ बराबर सजग रही है और सक्रिय रही है। पवन कल्याण जी ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है, और निसंदेह चाहे वो सनातन धर्म का सवाल हो या किसी अन्य धर्म से जुड़े प्रश्न जब भी आएंगे, हमारा स्पष्ट अभिमत है कि इन प्रश्नों पर किसी को भी किसी खास उद्देश्य से किसी को आहत करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कंप्लेन भी होगा। अब देखिए, ये सबको अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। कोई कार्रवाई की बात करता है, कोई कंप्लेन करता है, लेकिन अंततः जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है कि किसी को भी इस तरह के कृत्य की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि जो SIT का गठन लड्डू मामले को लेकर हुआ उसको कंटिन्यू करने दिया जाए या सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। अब देखिए, इस पर तो निसंदेह ये एक बड़ा विवाद है, इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था कहीं ना कहीं खंडित हुई है और इसके सघन जांच से ही उन तमाम संगठनों या व्यक्तियों के खिलाफ आरोप स्पष्ट हो पाएंगे जिन्होंने ऐसे किसी भी गलत कार्य को अंजाम दिया है। अब ये राज्य सरकार को तय करना है कि उन्हें किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। GDP के स्पोक्सपर्सन पत्ता भाई राम कुमार रेड्डी ने कहा कि हम लोग जो ARDA के खिलाफ और फर्दर एविडेंस लाएंगे। देखिए, अगर उनके पास जानकारी है तो निसंदेह उन्हें अधिकार है कि वो पब्लिक डोमेन में इन तमाम तथ्यों के साथ वो सामने आए। BJP को कुछ खबर आ रही है कि BJP असेंबली जो इलेक्शन होने वाला है महाराष्ट्र में, उसमें मोर देन हाफ सीट्स ज़्यादा उसको मिल सकता है, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, अब सीट शेयरिंग पूरी तरह से महागाड़ी के खिलाफ जो महायुति की पूरी तैयारी है उन्हें एक बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, और विनेबिलिटी राजनीति का सबसे बड़ा सच है। जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दर्ज कर सके और वो सरकार बनाने का कार्य प्रभावशाली तरीके से कर सके, ये सहमति वहाँ महायुति के तमाम दलों के अंदर है। इसीलिए ये ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर किसी तरीके के NCP, चाहे वो अजीत पवार का गुट हो या शिवसेना शिंदे गुट हो, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, निसंदेह वो मिल करके आपस में सुलझा लेंगे। ये कांग्रेस के MLA हैं हरियाणा में, उनका नाम है आपको धर्म सिंह चोपड़ा, उनके पुत्र को 400 करोड़ घोटाले में अरेस्ट किया गया। अब देखिए, भ्रष्टाचार पर लंबी बातें करते हैं राहुल गांधी, ड्रग सिंडिकेट के एक बड़े चेहरे को कल पुलिस ने बेनकाब किया, उनके रिश्ते भी कांग्रेस के नेताओं के साथ बताए जाते हैं, और अब ये चोकर के सुपुत्र का मसला सामने आया है। तो कम से कम भ्रष्टाचार पर नसीहत देने का काम राहुल जी को अब बंद कर देना चाहिए। मराठी, बंगाली और लगा के 5 क्लासिकल लैंग्वेज को अप्रूव कर दिया गया है मोदी कैबिनेट द्वारा। लंबे समय से इन भाषाओं को शामिल करने की मांग होती रही है, ये स्वागत योग्य कदम है। अधिकारी राजीव रंजन अमेठी से कि स्कूल टीचर, उसकी पत्नी और 2 चिल्ड्रन को शॉर्ट डेट कर दिया गया है किसी अनआइडेंटिफाई आदमी के द्वारा। लेकिन निसंदेह ये जघन्य और नृशंस हत्याकांड है, और घटना के लिए जवाबदेह जो भी अपराधी हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे केवल भेजा नहीं जाना चाहिए, कठोरतम सजा उन्हें मिले ये उत्तर प्रदेश सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए।